देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पीएम इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में पीएमओ के अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसको लेकर राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखें। पीएम ने इस दौरान 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के वैक्सीनेशन को और तेज करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां कंटेनमेंट और एक्टिव सर्विलांस पर खास जोर जारी रहे और राज्यों में जहां अधिक केस सामने आ रहे हैं उन्हें जरूरत के अनुसार टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराई जाए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस बदल रहा है, इसलिए जांच, टीकाकरण और जीनोम अनुकरण समेत निरंतर औषधीय शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार केंद्रित जन आंदोलन की निरंतरता महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य संबंधी परिदृश्य, सर्वोत्तम प्रयासों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।